अभी कल ही एक बड़ा अच्छा वाक्य आया था, शायद आप ही लोगों को बताया था, आप लोगों ने बोला था कि अपन जो साल भर तैयारी करते हैं अपनी, एक विद्यार्थी जो है एक साल भर जो पढ़ता है उसमें अपनी नोट्स बनाता है साल भर, ध्यान समझना ठीक है, साल भर। और मैं तो आपको बोलता हूँ आपके पास तीन पेन चाहिए मेरे को, ब्लू, ब्लैक और पिंक या कोई भी एक दूसरी, है ना, एक हेडिंग डालने के लिए, दूसरा लिखने के लिए और तीसरा अंडरलाइन करने के लिए, और एक स्केल चाहिए, कॉपी बिल्कुल बहुत ही प्रेजेंटेशन जो कॉपी का है आपका अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा आपका उतना अच्छे नंबर मिलेंगे, उतने अच्छे स्टूडेंट आप रहोगे, और उससे और इन सबसे पहले आपकी राइटिंग का बहुत अच्छा होना जरूरी। अब एक बात ये भी आती कि सर जब आगे जा करके मोबाइल कंप्यूटर में ही काम करना है, डिजिटल बढ़ा है तो राइटिंग का क्या, ठीक है तो राइटिंग का क्या करेंगे, तो राइटिंग जरूरी है साहब, समय के साथ राइटिंग अच्छी नहीं रहेगी, जो बात का मैटर है, अभी तो राइटिंग अच्छी रहेगी तभी नंबर मिलेंगे अच्छे, ठीक है। चलो तो देखो कॉपी अच्छी बननी चाहिए, अब कल ही तो है, कल परसों किसी ने बोला था सर हम इतनी अच्छी राइटिंग बना के नोट तो बनाए भी लेंगे, तो एक साल बाद तो रद्दी में जाती है ना, बड़ा अच्छा, बहुत बात ही बड़ी अच्छी। पर इसमें इसके मतलब को समझना है, ठीक है ना, कि हमने ठीक है साल भर अपन ने पढ़ाई की तैयारी करी है ना, उसमें बड़े अच्छे से नोट बनाए सर से, अब टीचर ने हमको, मैडम ने हमको वेरी गुड दिया है, बहुत सारे वेरी गुड है, पर वाकई में वो एक साल बाद रद्दी हो जाती, अब उसको आप चाहे तो संभाल के रखो जिनकी बरात, देख हमको तो मिला अच्छी बात, संभाल के रखना चाहिए, और बोले फोन संभालते बैठे रद्दी में भी बेचती तो कोई दिक्कत नहीं, इस बात का बहस समझ, ठीक है। आप खाना भी खाती हो ना, ठीक है, तो आपने जो खाना खाया है, भोजन किया है, वो भोजन 24 घंटे बाद वेस्ट चल जाता है, रद्दी हो जाता है, परंतु उस भोजन से 24 घंटे के अंदर हम उससे बहुत सारे पोषक तत्व, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह वगैरह वगैरह, ग्लूकोज बना लेते हैं, और उस ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सीकरण श्वसन अभिक्रिया होती है, और उससे हमको ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा वृद्धि विकास तन मन सब तेज होता है ना, उसके बाद जो बच गया उसको अपन फेंक देते हैं, करते नहीं करते, तो क्या हम खाना खाना छोड़ दें, साहब जो खाना खाते हैं वो तो हम वेस्ट में चल जाते हैं, तो खाना खाना छोड़ दो, छोड़ दो पड़ जाओगे बच्चों की नहीं बिल्कुल, एक महीने में राम नाम सत्य हो जाएगा सीधा पहुंच जाओगे, और तुम्हारी सब्जी पूरी बढ़ जाएगी 13 दिन बाद, है समझ गए कि नहीं। तो जिस समझना जिस तरह से खाना खाना जरूरी है, चाहे वो वेस्ट के रूप में निकल रहा है, पर बीच में जो हो रहा है ना वो, उसके लिए हम खाना खाते, उसी से हमारा शरीर बनेगा, वृद्धि विकास होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो हम पढ़ाई करते हैं साल भर, ये ध्यान देना, ये हमारा जुलाई का महीना आ गया, हमने साल भर पढ़ाई किया, नोट्स बनाई नोट्स बनाई नोट्स बनाई, यहाँ पे दे दिया अपन ने एग्जाम, एग्जाम के बाद नोट रद्दी में चल जाती है कहीं भी फेंक दो, और 1-2 साल बाद उसको रद्दी में 2 रुपये किलो बेच देते हो, बड़े मेहनत से बनाए थे साल भर, उसको काली पेन, नीली पेन, हरी पेन, ठीक है वो रद्दी में चलेगी कोई बात नहीं है, पर जो साल भर में आपने जो मेहनत करके सीखा और ज्ञान प्राप्त किया, अपनी राइटिंग सुधारी, उसका नॉलेज आपने दिमाग में लिया, वो आपको जीवन भर काम आएगा, उसी से आपका जीवन बनेगा। तो जिस चीज को ये बोलना कि सर साल भर जो नोट्स बनाते हैं, पुस्तक रहती है वो रद्दी में चल जाती है 1 साल बाद परीक्षा पास करने के बाद, ठीक है, पर जिस तरह से खाना खा के भी वेस्ट चल जाता है, परंतु उससे मेन चीज अपन निकाल करके अपने जीवन को बनाते हैं, विकास वृद्धि होता है हमारे शरीर का, वैसा ही पढ़ाई का भी, ठीक है। तो कॉपियां या बुक्स जो होती है हमारी, नोटबुक या बुक्स, वो रद्दी नहीं होती, हालांकि 1 साल बाद आप नोट को बेच देते हैं, पुस्तक को फाड़ डालते हैं, या कई लोग तो पुड़िया बना के दुकानें बेचते हैं, उसको पुड़िया बना के देते हैं कॉपी और पुस्तक, वो कर ले रहे हैं चलो ठीक है, पर उससे हमने साल भर में जो सीखा है वही, उससे हमारा जीवन है ना, उसी से हमारा जीवन चलेगा, जीवन बनेगा उसी से बनेगा, चलेगा ठीक है। तो ये जो रत्ती बोल के, तो कई लोग अभी बोलते हैं ना सर साल भर अपन बनाते हैं, मैं कल की बात मैं बोला था कि अच्छी राइटिंग बनाना, तो सर बोले साल भर बनाओ उसके बाद रत्ती में जाना है, तो क्या इसी तरह से हम क्या खाना खाना छोड़ दें, नहीं कर सकते, हमको अपना काम करना है, इससे हमारी राइटिंग अच्छी बनेगी, हमारी चीजें हम सीख पाएंगे, चीजों को अच्छे से लिखना, अच्छे से बनाना, अच्छे से दर्शाना, और जीवन में उसको अप्लाई कर पाएंगे, और जीवन को भी सही तरीके से जी पाएंगे, ये जरूरी है, ये उसका आप अन्यथा मतलब मत निकालो। और हर एक चीज के दो रास्ते होते हैं, है ना, जैसे हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक है ना, एक होता है चित और एक होता है पट, एक सिक्के में एक तरफ चित भी होता है, एक तरफ पट भी होता है, दोनों हर एक चीज की दो बातें होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप ये वाली सोच मत रखो कि सर ये तो 1 साल बाद रद्दी हो जाने वाली, इसको तो बेचेंगे तो क्या मतलब, ऐसी गतर फटर लिख दो ना, सब तरह से लिख दो, मत करो ऐसा, जीवन पर रफ ही करते रहोगे हमारा जीवन रफ हो जाएगा, ये हमारा विद्यार्थी जीवन जो है ना ये सामान्य जीवन नहीं है, ये
कि हम आने वाले जीवन के लिए अपने आपने आपको बना रहे हैं। तो जैसा आज सीखोगे आप, जैसा बनाओगे आज, वैसे ही जीवन भर चलता रहेगा, समझ में आया? वैसे ही जीवन भर चलता रहेगा। आज अच्छा बनाओगे तो कल भी अच्छा रहेगा। आज अपनी लाइफ को व्यवस्थित बनाओ, है ना, प्रेजेंटेशन अच्छा करो, सजाओ अपनी लाइफ, सजी हुई रहेगी, जीवन पर जीने मजा आएगा। और आज सजाओगे नहीं ना, तो जीवन पर स्प्रे, समझ रहे बात, है ना। ये सब चीजों का मतलब है। तो चीजों के गलत मतलब मत, नेगेटिव वाले मतलब मत समझो, पॉजिटिव वाले मतलब समझो। दुनिया तो आपको नेगेटिव ही समझा रही है, ठीक है। कछुआ और खरगोश में जी बोले, कछुआ जीत जाता है और खरगोश नहीं जीत पाता। अबे तुम कभी जीत ही नहीं सकता हो, वो कहानी है जो आपको मैसेज देने के लिए बताई गई। हमेशा खरगोश जीत पाए तो कभी नहीं, पर यदि कछुआ भी ठान ले तो वो भी ये प्राप्त कर सकता है। पर ठान ले तब, और हार ना माने तब, रिस्क ले तब, ये कहानी का मतलब, ठीक है। चीजों के मतलब तब अलग अलग होते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। चलिए।